Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सीआईडी के इंस्पेक्टर ने मारी खुद को गोली, की खुदकुशी। बठिंडा के बसंत बिहार गली नंबर 5 में रहने वाले सीआईडी के रिटायर्ड इंस्पेक्टर हरदेव सिंह ने अपने ही पिस्तौल से खुद को गोली मारकर की खुदकुशी। इस बारे में सिविल लाइन थाने के सब इंस्पेक्टर करमजीत सिंह का कहना है कि उससे एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिसमें लिखा है कि वह अपनी बीमारी से परेशान है और उसकी पत्नी नहीं है, जिससे वह अकेलापन महसूस कर रहा है। उसे तंग आकर वह खुदकुशी कर रहा है, जिस पर 174 की कार्रवाई की जा रही है। वही सहारा जन सेवा के वर्कर संदीप गिल का कहना है कि उनको फोन आया था कि वसंत बिहार गली नंबर 5 में एक व्यक्ति ने खुद के ही रिवाल्वर से गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। मौके पर पहुंचकर उन्होंने डेड बॉडी को उठाकर बठिंडा के सिविल अस्पताल रख दिया है, जहां उसका पोस्टमार्टम सिविल लाइन पुलिस द्वारा करवाया जाएगा। सर, मेरा नाम संदीप गिल्ला, सारा जन सेवा वर्कर। सानू अज सवेरे फोन आया सी कि बठिंडा बसंत बिहार गली नंबर 5 च एक आदमी ने एक बंदे ने आत्महत्या कर ली। साड़ी सारा जन सेवा टीम मौके पर पहुंची, जो कि असी उत्तों दे हालात देखे, आपदे एक बंदे ने आपदी वैपन नाल आत्महत्या की है। सिविल लाइन पुलिस मौके पर मौजूद सी। नाम उहदा हरदेव सिंह, उम्र 75 साल, बसंत बिहार गली नंबर 5 रहने वाला गा। CID रिटायर्ड इंस्पैक्टर है, जो कि असी रिटायर्ड इंस्पैक्टर थे, जो कि असी डेड बॉडी सिविल अस्पताल बठिंडा मोर्चरी घर में रख दी गई है। कोई कारण पता नहीं लगे सर। अजे रिटायर्ड इंस्पैक्टर थे हरदेव सिंह, बसंत बिहार रेंदे सी गली नंबर 5 च। इन्होंने रात अपने फायर मार के खुदकुशी कर ली, परंतु जिहड़ा उन्होंने नोट लिखा सी उहदे च लिखा भी मैं बीमारी तो पीड़ित सी, ते कुछ मेरी कहना भी धर्म पत्नी डैथ होने करके मैं इकला महसूस करता सी, इस करके मैं इन्ना परेशानियां करके कर रहा। और ये कोई किसी का कसूर नहीं गा, यही परेशानी सी। अगली कार्रवाई किस तरह चल रही है? अगली 174 की कार्रवाई कर रहे हैं।